सो वी जस्ट गॉट अ अपग्रेड। ये बंदा अपनी वीडियो बनाए जा रहा है। बच्चों में आ गया, सारे मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, थोड़ा ट्विनिंग टाइप का हो रहा है मामला अपना। देखिए तो मम्मी हमें विदाई देती हुई है, चलो निकल ले। हम बच्चे खुश, सभी खुश, बच्चे की यात्रा है, अपना तो जाना ही जाना है। हाँ और क्या, चलो अभी बट्टू ने भी चेक इन कर लिया, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में ट्रेन लेने, नॉट ट्रेन, मेट्रो, सॉरी, एक्चुअली नई दिल्ली से ना, नई दिल्ली मेट्रो से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आदत पड़ी हुई है ना, काइंड ऑफ, तो बार बार रेलगाड़ी याद आ जाती है, आदत वही रहेंगे तो वहीं के हम। है ना, ये रुकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत। सो कैसा लग रहा है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप ऑफिशियली एंड इंटरनेशनली, कैसा लग रहा है? यू आर सो एक्साइटेड, एक्साइटमेंट दिख नहीं रही। हाँ बस तुम पिज्जा हट में मत ठोक देना, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि जो तुम चला रही हो ना नशे की तरह है, नशे में। अभी ब्रेक मारनी मैंने सिखाई है, नहीं तो पकड़ के बैठी थी पूरे रास्ते, करीब भी पीछे जा रहे, पीछे जा रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे ही होता भैया, ऐसे बचा लो ना, कोई नहीं, अभी अंदर का सारा बता देते हैं कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो अभी हमने एंट्री कर लिया है एयरपोर्ट पे, सेकेंड लाइन, सेकेंड वाली स्क्रीन पे, सेकेंड लास्ट वियतनामी एयरलाइन, 11:35 PM दिख रही है, ये ओपन हो गए हैं चेक इन बी पे, बी रो बी, दिस इज एम एंड बी होगी बिल्कुल स्टार्टिंग में, उधर जाना है हमें, ठीक है, इस साइड बी बिल्कुल। ये बंदा अपनी वीडियो बनवा बोल रहे हैं, मेरी ही वीडियो बनवाओ बस, आगे देखिए। हाँ ठीक है, सो राइट नाउ वी हैव क्लियर द सिक्योरिटी, फाइनली सारे ताम झाम खत्म, अब यहाँ पर हम आ गए हैं जो कि लोगों के लिए जन्नत होती है। सो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, ओ ये रे मिनिएचर्स, ओए मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ तो यहाँ महंगा है, कोई फ्री वाली चीज़ दिख रही है तो देखो कहीं फ्री है ना, ओह माय गॉड। देखो मैं तो एयरपोर्ट आता ही इसलिए हूँ कि लाउंज में आना पड़े, और लाउंज में अलग ही मजा होता है, अभी तो मैं दिखाऊंगा, सब नहीं आते, किसी को पता नहीं होता, कोई जाता नहीं है, कोई जाना नहीं चाहता, किसी के पास टाइम नहीं है, बट हम तो टाइम से आते हैं ना, व्हाट्स द टाइम बाय द वे, 9, वी हैव अ फ्लाइट एट 11:30, सो वी हैव गुड 2 hours टेंटेटिवली, आई थिंक। तो कहाँ पे हम, लाउंज में, एयरपोर्ट पे तो असली मज़ा इसी का है, बुफे का अलग ही मज़ा है, बुफे में तो मतलब हाँ 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 शार्ट कॉर्नर, वाओ। हैवी ड्राइवर ब्रेकफास्ट हो रहा है इनका, तो अरे मीठा ले लो यार। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर फ्लाइट गेट जो कि 9B है, एंड अभी बज चुके हैं 10:50, 11:35 की हमारी फ्लाइट है, 15-20 मिनट पहले गेट्स क्लोज हो जाते हैं, तो स्टिल वी आर ऑन टाइम, आई गेस 10 मिनट्स लगेंगे हमें बाय वॉकिंग, हम पहुँच जाएंगे, एंड देन वी विल बोर्ड द फ्लाइट फॉर वियतनाम। आर यू एक्साइटेड? या दिस इज योर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, कैसा लग रहा है?
कभी सोचा था? हाँ। पता बेस्ट चीज एयरपोर्ट की क्या होती है? यहाँ पर ना सारे खुश होते हैं क्योंकि सारे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मतलब मोस्टली टेंशन फ्री होते हैं। आई गेस 1% होते हैं जो कि इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं या मे बी कुछ ऐसा कोई मिस हैपनिंग या समथिंग लाइक दैट, बट मोस्टली जो होते हैं बड़े खुश रहते हैं एंड टेंशन फ्री। जाना है बस, घूमना है, फिरना है, नाचना है, गाना है, किसी से मिलने जा रहे हैं एक्सेट्रा एंड ऑल जो भी है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। अभी खा गए, अभी रोज तक आया होगा, रोज तक आया होगा, चेक करो। इतनी फास्ट चेक करो। सो वियतनाम एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं जो कि फुल फ्लेज्ड एयरलाइन है वियतनाम के लिए। वियत जेट भी होती है बट दैट इज़ अ लो कॉस्ट एयरलाइन, तो वहाँ पर कुछ खाने पीने का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, इट इज़ नॉर्मली पेड। सो वियतनाम एयरलाइंस में पेड नहीं होता, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो फाइनली हम उतर चुके हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हो ची मिन्ह। इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है एंड हम अपना बैग लेने जा रहे हैं। बैग मुझे दूर से दिख नहीं रहा, धक धक हो रहा है अपने को। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक गॉड। वाओ, हाय मेरा बच्चा, सारा सामान इसमें। चलो मेरे बच्चों में आ गया, सारे मेरा वेट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी यार। कैसे बैठे हो ना सारे मेरे लिए, देख के बेटा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से करो बाबू। या तो हमने करेंसी एक्सचेंज कर ली थी एंड यहीं से हमने बेसिकली क्या कहते हैं सिम कार्ड भी ले लिया जो कि 2.5 लाख वियतनामी डोंग का जो है हमें पड़ा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम यहाँ से सिटी सेंटर जाएंगे एंड सिटी सेंटर के लिए हमें बस ले रही है। एक्चुअली वी कैन गो ऑन अ टैक्सी एज वेल बट हम बस पे जा रहे हैं, सो विच विल बी आई गेस बेटर ऑप्शन। एंड सो बस का जो किराया है वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये बस है, काफ़ी कंफर्टेबल सी बस लग रही है, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो अभी हम हैं बस में, वी आर गोइंग टू आर होटल विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट 1 जो कि मेन सेंट्रल एरिया डिस्ट्रिक्ट 1। एंड एयरपोर्ट से बस मिलती है जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 10,000 डोंग, वियतनामी डोंग जो कि कॉस्ट होती है। एंड और क्या है भाई, ट्रैफिक बहुत है यहाँ। स्कूटियों की तो यहाँ बाढ़ आई हुई है, बाढ़। ओह माय गॉड, यहाँ पर गाड़ियाँ कम स्कूटी ज़्यादा चलती है, हर किसी के पास मिक्स है, बढ़िया बढ़िया, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी, सेक्सी से सेक्सी। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ स्टाइल जो कि सिटी सेंटर में ही पार्क्स बने हुए हैं, लाइक यू कैन बेसिकली ईजी सी कितनी बिजी रोड्स हैं और यहाँ पर बीच पर पार्क्स बने हुए हैं वो भी इतनी ग्रीनरी के साथ और इतने आई गेस काफ़ी पुराना पेड़ सा लग रहा है। एंड यू कैन सी कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। वाइट हाउस, दिस इज वाइट हाउस, या लुक्स लाइक अबाउट वाइट हाउस, एब्सोल्युटली राइट। तो बेसिकली ये यहाँ का रिक्शा है, सो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे थे, साइड पे आ जाओ भाई, मार मत दियो, दीदी चला रही है दीदी। तो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे कि रोड क्रॉस करें कि नहीं करें, फिर मैंने वहाँ से अंग्रेज देखा, वो बस हाथ देते हुए आ रहा जैसे इंडियंस ही देते हैं, तो फिर भाई ने भी वैसे ही हाथ दे दिया और क्रॉस कर ली रोड एक सेकंड के अंदर। हिसाब यहाँ पे वही है यूपी वाला, मतलब इंडिया वाला ही कह लो। अभी होटल पे पहुँच चुके हैं हम एंड यहाँ पर हमने होटल जो बुक किया है बेसिकली 825 जो कि डिस्ट्रिक्ट 1 में है जो कि मेन सेंट्रल प्लेस है यहाँ पे। एंड काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली। एंड जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है, बट वी हैव रिक्वेस्टेड कि अर्ली चेक इन मिल सके हमें,
सो दे हैव इन्फॉर्म्ड कि 12 बजे तक वो हमें दे पाएंगे. सो अभी हम टाइम पास ही कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी, अभी हम पूल देखने आ गए हैं. तो पूल एरिया है यहाँ पे, टॉप पे जो है, टॉप फ्लोर पे पूल एरिया बना हुआ है यहाँ पे. एंड बट्टू थोड़ा फोटो सेशन कर रही है अपना, एंड थोड़ा हम बिल्डिंग्स का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे, सराउंडिंग्स का मज़ा ले रहे हैं. एक बिल्डिंग है जो कि वो बनी हुई है, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग, बट वहाँ पर हेलीपैड भी है. अभी हम ले रहे हैं वियतनाम में गन्ने का रस. देख बड़ा ब्रेक कुत्ते की तरह डाल दिया. फ्रेश भी नहीं दिया. हाँ यार कुछ ऐसे हो रही है. आ मेरी जान, आ तेरी हंसी. पैसे भी अभी होटल के बाहर से हमने ये लिया है, शुगर केन जूस. कमोन बा एंड थैंक यू को यहाँ पे कमोन बा कहते हैं. तो यहाँ पर भी कमोन बा, क्या कर रहा बा, मजाक कर रहा बा, तुम क्या कर रहे बा. और ये हमारा होटल है, काफी ग्रैंड होटल है. हम सो होचीमिन की गलियों में निकल चुके हैं. काफी अच्छा माहौल हो रहा है रात के टाइम. आई गेस बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है एज कम्पेयर टू आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून में बहुत ह्यूमिड हो जाता है यहाँ पे टेम्परेचर. तो मन भी नहीं कर रहा था घूमने का, इसलिए हम भी थोड़े सुस्त हो गए निकलने के लिए. क्या कहते हो, गलत कह रहा हूँ? ये तो सबसे पहले बेड पे पड़ गई, कह रही भैया हमसे ना जाया जाएगा, जो करना कर लो, अपने आप चले जाओ. सो अभी हम बेनथान मार्केट में, जो कि यहाँ की मार्केट है, लोकल मार्केट है, एंड काफ़ी अच्छी बनी हुई है. मतलब कितनी ही सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पर यू कैन गेट द सेकंड कॉपी, फूड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोथिंग, बैग्स, आई गेस एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर. सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे. एंड कहीं हद तक ये मेरे को ग्रैंड बाजार, जो कि मैं टर्की में गया था तो भी इसी टाइप का छोटा छोटा बना हुआ था, और हर दोनों तरफ दुकानें हुआ करती थी, और काफ़ी बड़ा था वो भी, तो उसकी याद दिला रहा. बट चीज़ें वाइज काफ़ी अच्छा है, बार्गेनिंग फुल होएगी यहाँ पे दबा के. एक्सक्यूज मी, हाउ मच फॉर दैट बैलेंस ही आगा सेकेंड? सेवन, नंबर सेवन. ये 1 million, दैट वुड बी अराउंड 3,500 रुपये. कैन यू शो? भाई साहब क्वालिटी तो है, चेक करो. यहाँ से ले जाऊंगा. वो लेमन चिली कह रहा है, चीनी नहीं कह रहा है. नहीं नहीं, लेमन चिली है वो, गलत. लेस 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 स्पाइसी. और भाई तू तो जला देगा. सो अभी हम गुए हुए स्ट्रीट पर, जो कि एक यहाँ पर सिटी सेंटर है, एंड काफ़ी बड़ा सा स्क्वायर बना हुआ है. तो ये पार्क टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत ही लास्ट तक जाता है. ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, वहाँ पर कुछ पार्टी वार्टी हो रही है शायद, बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है. तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे, एंड जस्ट यहाँ पर ये VIP एरिया, एक बहुत अच्छा सा होटल बना हुआ है, रेक होटल. एंड प्लस यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये सिटी हॉल है बेसिकली, एंड ये फ्रेंच आर्किटेक्चर को दर्शाता है. एंड यू कैन सी लाइटिंग के साथ कितना प्यारा लग रहा है ये नाइट के टाइम. तो मतलब इफ़ यू गिव 10 out of 8 इन मॉर्निंग, देन मे बी 10+ इन द इवनिंग आई वुड से, ऐसा वाला है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा सा है. कुछ टिकटॉकर्स आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि इनका कैमरा एंड सॉरी लाइटिंग एंड स्टफ यहाँ पे है. टिकटॉकर ही लग रहे हैं मुझे तो. बाकी यू विल फाइंड वहाँ पर स्केट बोर्डिंग हो रही है आगे की साइड, काफ़ी उस साइड वहाँ स्केट बोर्डिंग हो रही है. वो सामने सिटी हॉल है, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्चर से प्रभावित है. उस साइड एक बहुत बड़ा स्टेज,
जहाँ पर आई बिलीव कुछ पार्टी हो रही है या कुछ जब हो रहा है आई बिलीव। एंड वैसे ही एरिया बहुत अच्छा है, वाइब्स आ रही है, वाइब्स वाइब्स ये। मतलब यहाँ आके तो वाइब्स ही अलग आ गई है भाई, अलग ही वाइब्स है। सो अभी हम आ चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे, हो ची मिन्ह में, जो कि बुई वेन वॉकिंग स्ट्रीट है।